ओके तो हमारे लूप कंडीशंस खत्म हो गई थी, अब हम बात कर रहे हैं लूप्स के ऊपर। हालांकि पहले आपको लूप के बारे में मैंने बताया है, तो आज की हमारी इस क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे लूप। तो आपको लूप तो मैंने इंट्रोड्यूस कर ही दिया था, फिर भी मैं आपको लूप को पूरा तरीके सही तरीके से सिखा देता हूँ कि लूप आखिर होता क्या है। तो बेसिकली लूप दो तरह के होते हैं, फोर एंड एक हमारा होता है डू। फोर के भी दो पार्ट होते हैं, जो कि एक आई होता है जिसमें हमें स्टार्टिंग और पोजीशन एंडिंग पोजीशन डालने होते हैं, और दूसरा होता है एच। और यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें भी होता है डू व्हाइल एंड डू अनटिल। ओके तो हम पहले फोर आई के बारे में जानते हैं। तो इस चीज को जानिए कि लूप का जरूरत क्यों पड़ता है, लूप आखिर में हम इस्तेमाल करते क्यों है। तो एक छोटा सा मैं यहां पे एक डेटा बना रहा हूं, छोटा सा हमने यहां पे टेबल क्रिएट कर दिया। मुझे क्या करना है, ये मान लीजिए मेरा स्टिकर है, अब मुझे इसको कॉपी पेस्ट हर कई सारे बार में करना है। मुझे यहाँ पे पेस्ट एक बार उसको सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, फिर नीचे यहाँ पे पेस्ट करना है, इस तरह से पेस्ट करना है। तो इसको मैनुअल करने में टाइम लगता है, तो कैसे करें। तो पहले हम जानते हैं कि कॉपी पेस्ट करने का कोड क्या होता है। तो इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स और यहाँ पे सब्जेक्ट आर आर तो कोड होता है यहाँ पे कि रेंज A1 से, अब इसमें पाथ अपने हिसाब से इसको ऑटोमेट भी कर सकते हो C7 डॉट कॉपी। अब ये चीज जानना जरूरी है कि कौन से पार्ट को लूप में रखना है, ये मैं अभी आपको बताता हूं। अब मुझे क्या करना है, इसको पेश करना है ए 65000 डॉट एंड डॉट एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट पेस्ट स्पेशल। 1.0 नहीं करना है इसमें, 2 करना है क्योंकि एक कॉलम छोड़ना है। अब मैं इसको पेस्ट करूं, इसको रन करूंगा तो सिर्फ एक सेल को ही पेस्ट करेगा, एक ही सेल पेस्ट किया सर, ये तो पहले से था ना, लगा मैं दो बार रन कर देगा। मैं माइक्रो लूप 1 को रन करता हूं तो एक बार कॉपी पेस्ट करता है। देखिए मुझे इसको कराना है मान लीजिए 5 बार, तो इसको में कौन से कोड, क्योंकि हमें कॉपी 5 बार कराने की जरूरत नहीं, हम कॉपी एक बार करने के बाद 5 बार पेस्ट तो कर सकते हैं ना सर। तो मैं सिर्फ इस लाइन को, तो ये जरूरी है आपको समझना जरूरी है कि कौन से कोड को आपको रिपीट करना है। तो मैं इसको अगर 5 बार लिख दूं तो मेरा कोड अब जो है, अब मैं इस कॉपी जो है 5 बार रन करेगा, लेकिन यहीं पे दिक्कत होती है, लूप की जरूरत पड़ती है कि हम VBA कोड को, नहीं लूप जो है एक्सेल के लिए VBA के लिए इस्तेमाल होता है, ये चीज पहले समझ जाइए। अब मुझे इसको इस कोड को 5 बार रन करना है, तो जो 5 बार मुझे रिपीट करना है, तो अगर मैं ऐसे 15 बार 20 बार या 5000 बार तो काफी काफी ज्यादा क्रिटिकल जॉब हो जाएगी ना सर। तो हम बाकी कोड को डिलीट करते हैं, इसी कोड को रखते हैं और यहाँ पे हम लूप लगाते हैं कि 4i = चले 1 to 5 और हमने यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट। तो ये आपका आई की जगह पे ABCD XYZ नेम कुछ भी दे सकते हैं, दिस इज द वेरिएबल, ठीक है। आई हम लोग क्या करते हैं इंटीजर, बल्कि एक ट्रेंड बना हुआ है कि आई करना, जैसे कि आपने ब्रश करने के लिए पेस्ट, हम लोगों के मुंह से कॉलगेट निकल जाता है कि क्या करना, तो कॉलगेट करना, भले हम क्लोजअप से करें या पेप्सोडेंट से करें या फिर पतंजलि के दंत क्रांति से करें, लेकिन मुंह से क्या निकल जाता है, कॉलगेट करना है।
क्योंकि शुरू से हम लोगों को हम लोग शुरुआत में जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कॉलगेट हुआ था और कॉलगेट फेमस हो गया। उसी तरह से आई जो है शुरू से ही हर जगह पे देखेंगे, हर बुक्स में या किसी चैनल पे या किसी वेबसाइट पे, तो मोस्टली लोग इसमें आई ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हम आई ही लेते हैं। तो यहाँ जरूरी नहीं कि आई कुछ भी ले सकते हैं। अब आई होता क्या है, एक काउंटर होता है कि इस कोड को कितना बार रन किया जा चुका है, इसका हिसाब किताब आई पे स्टोर होता है। और नेक्स्ट इस चीज को देखता है कि आई पे स्टोर वैल्यू क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो लूप को खत्म कर देता है, नहीं तो फिर वापस फोन को भेजता है कि भाई एक बार और चलो, फिर चेक करता है, देखता है ठीक है फिर एक बार चलो। तो वन बाय वन ही रन होता है और ये लीनियर ऑर्डर में होता है, ठीक है सर। यहां पर रन कीजिए तो आपके सामने जितना बार बोलेगी उतना बार आप कॉपी पेस्ट होगी। तो इसमें दो चीज देखिएगा, पहली चीज कि आपका रिपीट करने वाली कोड कौन सी है, और दूसरा स्टार्टिंग और एंडिंग की पोजीशन हमेशा लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। चलिए कुछ और एग्जांपल हम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे कॉलन ए में एक से लेकर 100 तक टाइप करना है, तो यहां पे हम कोड लिखेंगे सब लूप अंडरस्कोर टू ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां पे देते हैं फॉर्मूला की कोड आई इक्वल टू चले 1 to 100। अब बोले से ऐसा करने की क्या फायदा है, तो इसमें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आई को हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहां पे लिखना है तो मैं यहां पे ए वन वैल्यू इक्वल टू वन, दूसरा बार में टू हो जाए, तीसरा बार थ्री हो जाए, चौथा बार फोर हो जाए, इस तरह से करना है। इसके दो तरीके हैं, एक तो मैं यहां पे करूंगा कि डिम आर एज ए लॉन्ग, और फिर यहां पे इसको करने से पहले मैं करूंगा कि r इक्वल टू r प्लस वन, और फिर यहां जो 1 2 3 है इसकी जगह पे हम r ले लेंगे। तो जब चलेगा तो क्या होगा, ये चलेगा तो ये सबसे पहले तो यहां पे r के ऊपर प्लस वन करेगा, तो फर्स्ट टाइम जो है r क्या है, फर्स्ट टाइम आर क्या है, आर जीरो है, जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, तो रेंज ए वन डॉट वैल्यू आर मतलब कि वन। फिर आई चेक करेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। अब इसमें एक बार स्लो मोशन में मैं करके दिखाता हूं, मतलब कि स्टेप इन्फो एवेट किया हमने, यहां पर देखिए आई क्या है इम्पेटी है और आर भी आपका जीरो है। जैसे मैं यहां पे आगे बढ़ूंगा तो i इक्वल टू वन हो जाएगा, और यहां पे देखिए r जीरो प्लस वन इक्वल टू वन हो गया, तो a वन की वैल्यू वन हो गई। फिर यहां पे आगे i नेक्स्ट चेक करेगा कि i इक्वल टू वन क्या ये 100 से छोटा है, अगर छोटा है तो फिर वापस i को भेज देगा, अब i क्या होगा इंक्रीज हो गया 2 हो गया क्योंकि दूसरा बार चल रहा है। फिर यहां पे r इक्वल टू r प्लस वन, मतलब 1 प्लस 1, तो ये हमारा r क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर यहां a2 पे आपकी वैल्यू 2 स्टोर हो जाएगी। फिर r फिर नेक्स्ट चेक करेगा कि i की वैल्यू जो है क्या वो 100 से ज्यादा है, अगर नहीं ज्यादा है तो फिर वापस वो 4 की तरफ भेज देगी, और 4 फिर i के वैल्यू को इंक्रीज करके 3 कर देगा, r 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 कर, इसी तरह से कंटिन्यू चलेगा और आपको रिजल्ट यहां पे दे देगा। अब यहां पे r भी वही काम कर रहा है और i भी वही काम कर रहा है, r भी सीक्वेंस नंबर 1 2 3 4 5 अपने अंदर रख रहा है 1 बाय 1, जिसका यूज हम यहां रेंज को इंक्रीज कर a1 v1 c1 इस तरह से इंक्रीज करने में यूज कर रहे हैं। तो क्यों हम r क्यों लें, हम डायरेक्ट i को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि i भी तो एक तरह से वेरिएबल ही है ना सर, तो i को भी यूज किया जा सकता है, तो इससे i को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है सर,
विदाउट। अब इस तरह से अगर मान लीजिए मल्टीपल लूप चलाने पर ही, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर तीसरा एग्जांपल मैं आपको दूं, तीसरा एग्जांपल यहां पर यह है कि ये हमारे ये लोकेशंस है, मैं चाहता हूं कि इसकी हर एक सेल की वैल्यू को चेक करे, अगर वो ग्रेटर देन 50 है, अगर वो ग्रेटर देन 50 है तो जे कॉलन में एक के नीचे एक टाइप कर दे। तो हर सेल में तो लूप कितना बार चलना चाहिए, तो लूप चलना चाहिए 98 टाइम्स। बट कैसे पता चलेगा कि भाई इसका लेना इसका लेना, क्योंकि ये तो खाए तो A1, B1, C1 की तरफ चल सकता है या फिर A1, 2, 3 चल सकता है। तो उसके लिए हम यहां पे मल्टीपल लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर 3 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब ये यहां पे करूंगा मैं कि 4 i इक्वल टू चले 1, 2 कितना है, कॉलम कितना है, रो कितना है आपका 14। तो यहां पे हमारा 14 हो जाएगा। और फिर यहीं पे एक और लूप चलेगा 4j इक्वल टू चले 1, 2 ये आपका 7 है, तो 1, 2, 7। और फिर नेक्स्ट यहां पे जे और यहां पे नेक्स्ट आई। तो जो हमारा आई है ये हो गया रो के लिए, और जो हमारा जे है वो हो गया कॉलन के लिए। मतलब कि आई एक बार चलेगा तो कॉलन 7 बार चलेगा। तो ये आप 14 मल्टीप्लाई 7 कर लीजिए तो आपका 98 आ जाएगा। और इसको एड्रेस इस ऐसा करने का फायदा इसलिए हुआ कि एड्रेसिंग में हमें भी दिक्कत नहीं होगी। सेल्स हम यहाँ पे आई कॉमा जे डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने कर दिया, इसमें तो कंडीशन देना है ना, इफ कंडीशन लगाना कि इफ सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन 50 देन रेंज जे 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सेल्स आई कॉमा जे। यहां पे आपका एंड ये आपका मल्टीपल्स लूप चलाएगा। और यहां पे मैं इसको लूप 3 को रन करता हूं। तो मल्टीपल लूप्स इस तरह से चलते हैं। तो लूप समझ में आ गया, लूप में जो हम आई का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं ये आपको समझ में आ गया। इसमें कोई डाउट है अतीश जी, अनिल जी, जाहिद जी? तो मैंने आपको लूप से रिलेटेड 3 एग्जांपल दिया है। अब क्योंकि लूप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मुझे अभी, क्योंकि बाद में फिर आप टाइम नहीं दे पाते हैं, अभी आपके पास आधा घंटे के टाइम है, मुझे कम से कम 2 से 5 एग्जांपल इफ का आप, सॉरी लूप का आप मुझे बना के भेजिए।